नहीं क्या हुआ कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने अब ठान लिए कि वो सारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करके रहेगी और वो हॉलीवुड लेवल को पार करके रहेगी, क्योंकि मूवी जहाँ साउथ फिल्मों की एक से एक बढ़कर मूवी आ रही है, हाई बजट वाली, हाई परफॉर्मेंस एक्टर और वहीं एक से एक डायरेक्टर, और ऐसी स्टोरी दी जा रही है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी, जिन्हें देखने से हम एक बार बोर नहीं होते। जहाँ बाहुबली 2 और ये GF रोबोट 2.0 जैसी मूवी देते जा रही है, वहीं अभी भी ये साउथ इंडस्ट्री रुक नहीं रही है। आने वाले सालों में और इस साल भी ये तगड़ी तगड़ी मूवी हमको देने वाली है। तो इस वीडियो में हम ऐसी एक दमदार पिक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है साहो। तो हम इस मूवी में आपको उसकी कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो जिन्हें जान के आपको बहुत खुशी होने वाली है। तो वो बातें जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ये लाल बटन दबा के, ताकि आपको हमारे नई वीडियो मिल सके जल्दी से जल्दी और आपको नई मूवियों के बारे में पता चल सके। तो साहो जैसे इस मूवी का नाम है दमदार, वैसे ये पिक्चर आने वाली, क्योंकि पिक्चर में ऐसा डायरेक्टर दिया गया है जिसका नाम है सुधीर, जिसकी यह सेकेंड मूवी है, और इस डायरेक्टर ने जो अपनी पहली मूवी दी थी वो एक सुपर मूवी रह चुकी है, वहीं इसको सेकेंड मूवी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। जहाँ देखा है हमने पिक्चर के ट्रेलर में डायरेक्शन की डायरेक्टर ही देख ली हमने, जहाँ उन्होंने कुछ ऐसा कलर एक्ट्रेस साइनेटोग्राफी और एक्ट्रेस को की परफॉर्मेंस को उन्होंने क्या निखारा है। वहीं आपको बाहुबली स्टारर प्रभास में देखने वाले को, जिन्होंने बाहुबली से सारी दुनिया के दिलों में अपनी जगह एक खास जगह बना ली, और वहीं आपको बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को टी सीरीज और यू क्रिएशन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि मूवी की सबसे खास बात है इसमें प्रभास को होना, जिनकी पॉपुलरिटी इस लेवल पर बढ़ गई है कि इस मूवी ने 100 करोड़ पहले दिन ही कमा लिया तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रभास की बाहुबली 2 पहले कमा चुकी है ये 100 करोड़ वन डे में। वहीं आपको पता है मूवी का बजट रखा गया है हाई लेवल, जहाँ 250 करोड़ था बाहुबली का बजट, वहीं 300 करोड़ से ऊपर इसका बजट हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा बजट है, खतरनाक बजट दिया गया है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। वहीं आपको पता होगा कि बुर्ज खलीफा में एक एक्शन सीन शूट हुआ है, क्योंकि ये दुनिया को इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी बिगेस्ट थ्रिलर और एक्शन मूवी दी जा रही है, तो इसका एक एक्शन सीन बुर्ज खलीफा में शूट हुआ है, जो सबसे लंबा एक्शन सीन है और जिसमें 25 करोड़ खर्च हो चुके हैं उसे एक एक्शन सीन को बनाने में, जो आज तक इंडिया में जहाँ 25 करोड़ों में पिक्चरें बनती है वहाँ एक एक्शन सीन बना इस पिक्चर का। तो पिक्चर आप लोगों को बताया कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है थिएटरों में, और वहीं आपको पता है कि पिक्चरों के राइट, डिजिटल राइट, सेटेलाइट राइट काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, और मूवी का बज इतना बन चुका है कि मूवी की टिकटें अभी से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि पेटीएम और बुक माई शॉप पर इसका काफ़ी इंटरेस्ट दिखता जा रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और पिक्चर कैसे लगने वाली है हमारे कमेंट बॉक्स में बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो मिल सके।